नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। टोंक खुर्द नेशनल हाईवे 52 पर बसे पुलिस चौकी टोंकला के रहवासी राजकुमार व सुरेश चंद सोनी समीप के गांव काठब डौड़ा के साप्ताहिक हाट बाजार में सोने चांदी की दुकान लेकर गए थे। लौटने पर अज्ञात 4 से 5 बदमाशों ने उन्हें घेर कर पत्थरों व धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया था। इस दौरान सुरेश चंद्र को गंभीर चोटें होने से देवास दवाखाने में प्राण त्याग दिए व राजकुमार इलाजरत था। इसी बीच ग्रामीणों को भनक लगते ही ग्रामीण सड़क पर उतर आए व पुलिस के खिलाफ खूब गुस्सा फूटता देखकर तत्कालीन प्रदेश के पीडब्ल्यूडी व पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी, जिलाधीश श्रीकांत पांडे ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया था। तब गुस्साए ग्रामीणों द्वारा राज्य मार्ग से हटे थे। इसी चुनौती में तत्कालीन थानाध्यक्ष सुनील कुमार यादव व सदल बल से चुनौती स्वीकार करते हुए आदिवासी 3 युवकों को दबोच कर लूट में लुटा सोने चांदी के जेवरात, 6 किलो चांदी और 49 ग्राम सोना जेवरात बरामद किया था। उसी दौर में बाकी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। समय का इंतजार कर नवागत जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल ने अपराधों की समीक्षा में पुलिस को अपराधी धरपकड़ अभियान के निर्देश दिए गए थे। इसी निर्देश के चलते टोंक खुर्द पुलिस के लिए फिर चुनौती भरा समय आया। पर यहाँ यह कहना होगा, वर्तमान निरीक्षक अविनाश सिंह सेंगर का स्थानांतरण होना व देवास लाइन से तेज तर्रार निरीक्षक प्रीति बाथरी का टोंक खुर्द थानाध्यक्ष बनना सनसनीखेज में हाथ बटाकर लूट का माल, दोनों हत्यारों की गिरफ्तारी में थाना टोंक खुर्द के सदल बल की विशेष भूमिका रही, जिस पर ग्रामीणों का हर्ष देखा गया। लूटकांड हुआ था जिसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे और कुछ आरोपी फरार थे। अब पुनः पुलिस को एक उसमें कामयाबी मिली, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सोनी लूट प्लस हत्याकांड जो 1 फरवरी को हुई थी, उसमें उस समय तत्काल में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। 5 तारीख को हमारे द्वारा टोकला पुलिस द्वारा 2 अपराधियों को अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम दिनेश और रंजीत हैं, जिनसे हमने चांदी के जेवरात जब्त किए हैं और उनको कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उनको जेल भेज दिया गया। खबर समय जगत के लिए टोंक खुर्द से हरिओम जैन की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।